नानू दिखा 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 दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो। नानू कैसे बात, नानू कहाँ हैं ईशु, नानू कहाँ हैं नानू, नानू जी नानू तकलू हो गए अभी पता चलेगा ठंडा ठंडा। कैसे हो गए नानू, कैसे हो गए? लेंटर पड़ गए, लेंटर आरसीसी। नानू हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सो गाइस, आज 22 तारीख का जो ब्लॉग है वो अपलोड कर रही हूँ। आज 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम जो हुआ था वो सब लोग हमारे यहाँ टीवी पर देख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सभी को, और ऐसा लग रहा है मतलब टीवी के सामने से तो हटने का मन ही नहीं हो रहा था। तो सब लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, पूरा हमने पूरा देखा। ईशो 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 ईशो, इधर देखो इधर, ऐसे ऐसे किसी कर दो, किसी कर दो, इसमें कर दो कर दो। किनारे हो जाए, जहाँ तक दूर दूर तक आप नजर दौड़ाएंगे, सड़क के किनारे किनारे पूरी अयोध्या नगरी जो इसी तरह से सजी हुई है, और यहाँ पर फूलों से इसी तरह से सजा कर रखा गया है। दोनों ही तरफ लोगों का भारी जमावड़ा है जो इस इंतजार में है कि अगर प्रधानमंत्री इधर से मैंने तो देखा ही नहीं। उनके हाथों में हम देख रहे हैं क्या पकड़े, पूजा की सामग्री आसान बिल्कुल नहीं है। और देखिए, केवल दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है हिंदुस्तान, और उसके प्रधानमंत्री आप क्रोध नहीं कर सकते, आप ईर्ष्या नहीं कर सकते। से छलकती हुई ममता, वो बचपना, वो खुशी, वो प्रेम, वो स्नेह, वो त्याग, वो बलिदान, वो सब कुछ जो राम भगवान राम की आंखों से निकलता हुआ तेज आज जिसके आप सब दर्शक बन रहे हैं आज तक के जरिए, देखिए वो तेरा हिंदुस्तान। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। इस घड़ी में विश्वे देवास इह मादयं ताम ओम प्रतिष्ठा। अगर आप ये भी बता सकते, राजकुमार जी आपको बीच में टोक रही हूँ, कि हमारे दर्शन चल रहा है हर एक भारतवासी जो सनातन पर भरोसा करता है उस मंत्र इतने बरसों बाद इतना बड़ा काम हो रहा है, तो इसके लिए तो मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है। बस इतना अच्छा लग रहा है अंदर से भी, सब लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, और बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी है ये। साथ ही साथ हम लोग तो यहाँ पर टीवी पर देख रहे हैं तब इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि मतलब इतना बड़ा काम हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम यही सोच रहे थे कि मतलब जो इस इतने बड़े काम को कर पाया वो कितना ज़्यादा खुश और कितना ज़्यादा भावुक होंगे। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि बस आगे भी सब कुछ अच्छा ही रहे और सब कुछ अच्छे अच्छे से ही काम हो। सो जय श्री राम। पर ये सारे कार्यक्रम होने के बाद हम लोगों ने फिर शाम के टाइम मिठाई वगैरह लेके आए, तो जब मैं मूर्ति लेने गई थी बट हमें मूर्ति मिली नहीं, तो हमने जो पूजा वाली किताब होती है ना उसी को हमने रख लिया था, उसमें ही भगवान जी थे तो उन्हीं को हमने तिलक वगैरह किया था, और साथ में इतने 21 दिए जलाए थे, और सब लोगों ने इसी तरह से तिलक किया, आरती वगैरह की, दिए जलाए, इसके बाद में हमने पटाखे वगैरह भी फोड़े थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड जो लड्डू गोपाल हैं उनको भी भूख लगाया था। एंड ईशु देखो, यहाँ पर ईशु को मैंने ये ड्रेस डाली हुई थी, अंदर उसने ऑलरेडी 2-3 ड्रेस डाली हुई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है एंड इसको कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से। एंड अभी इतने दिए रखे थे हमारे पास तो हमने इतने जला लिए थे, बहुत अच्छा लगा। कैंडल वगैरह भी थे तो वो हमने ऊपर ही जाकर लगाए थे, और यहाँ पर सब लोगों ने भोग लगा दिया। एंड ईशु देखो माथा टेकती है तो पूरा लेट जाती है, और पूरे में फैल ऐसे इधर जा रही है उधर, जहाँ उसे जो भी दिख रहा है ना वहीं पर घुस जाती थी एकदम माथा टेकना। उसे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, और एक्चुअली होना भी चाहिए,
बच्चों को अगर आप जो चीज़ शुरू से सिखाएंगे तो वही चीज़ उनमें आती है, और घर पे सब लोग पूजा करते हैं ना तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगी, रोने लगेगी, घंटी की आवाज़ सुनते ही रोने लग जाती है। तो यहाँ पर सब लोगों ने ये किया। इसके बाद मैं ऊपर लेकर गई दिया वगैरह रखने के लिए, तो यहाँ पर ये सारा कुछ। इसके बाद हमने चलाए पटाखे वगैरह, और जो कुछ भी थोड़े बहुत रखे हुए थे वो हमने चलाए। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।